राजगढ़ी माता मंदिर के स्थान पर श्री देवी भागवत कथा के विसर्जन के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं सिमरन कौर। बगहा नौरंगिया पश्चिम चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 2 के नौरंगिया के बीटीआर जंगल में स्थित माता राजगढ़ी देवी स्थान पर सार्वजनिक सहयोग के द्वारा 11 नवंबर से श्री देवी भागवत कथा चल रहा था। 19 नवंबर यानी शुक्रवार को विसर्जन के दिन हवन एवं भंडारे के लिए श्रद्धालुओं की और भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। ये भंडारा 2 बजे दिन से लेकर 8 बजे रात तक चलता रहा। वहां के महंत श्री श्री 108 श्री भागवत दास जी ने बताया कि सच्चे मन से जो भी भक्त माता के दरबार में आता है उसकी सारी मुरादें अवश्य पूरी हो जाती हैं। माता राजगढ़ी देवी का अस्तित्व लगभग 150-100 वर्ष पुराना बताया गया। आपको बता दें कि यहाँ के ग्रामीण पूर्वजों के द्वारा बताया जाता है कि पहले यहाँ राजा का गढ़ था, पर्यटकों को लुभा रहा है राजगढ़ी माता का स्थान। बगहा के पाठकों का भी सराहनीय सहयोग रहा। वहीं आपको बता दें कि ट्रस्ट में शामिल अध्यक्ष श्री शिव नारायण महतो, उपाध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता, सचिव सुरेंद्र कुमार, उप सचिव साबित कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष मोतीलाल कुमार, श्री श्री 108 श्री भागवत दास जी, राज कौशल मिश्रा, महेश्वर काजी, रविन्द्र शर्मा, नीरज कुमार, राजेश कुमार, गोविंद यादव, बिहारी महतो, अशोक सिंह इस मंदिर को काफी दार्शनिक बनाने की कोशिश में तत्पर लगे रहते हैं। बगहा के पाठकों का भी सराहनीय सहयोग रहा। वहां ट्रस्ट के लोग एवं श्रद्धालुओं के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यूएफटी लाइव के लिए राजकुमार की रिपोर्ट।